जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक और बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। चेन्नई से नागरकोइल तक वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, तो वहीं मदुरई से बेंगलुरु तक वंदे भारत ट्रेन चलेगी। मेरठ से लखनऊ के बीच भी वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जाएगा। ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जहां पर फूलों के साथ स्वागत करते हुए वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल इन तीनों नए वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। तो दूरी कम समय में तय की जाएगी और जो सफर होगा वो बेहद आरामदायक होगा, आसान होगा, क्योंकि वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। 3 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। बताते चले कि चेन्नई से नागरकोइल तक एक वंदे भारत ट्रेन चलेगी, तो वहीं दूसरी वंदे भारत जो ट्रेन है वो मदुरई से बेंगलुरु तक चलेगी। मेरठ से लखनऊ के बीच भी वंदे भारत ट्रेन अब से चलेगी, यानी कि अगर आप इन जगहों से सफर करते हैं तो आपका जो सफर होने वाला है वो अब बेहद खूबसूरत आसान होने वाला है। तो ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझा रहे हैं कि कहां कहां पर 3 नए वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। आज वर्चुअली हरी झंडी दिखाई गई है पीएम मोदी की ओर से और इन ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है। जो लोग हैं वो बेहद खुश हैं इन ट्रेनों को चलने से, क्योंकि ये जो ट्रेन है वो काफी ज्यादा स्पीड में चलती है और इसके अंदर कई सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। तो देश में 100 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, 280 से ज्यादा जिलों में वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही हैं, जिससे लोगों का सफर जो है वो आसान और सुहाना हो रहा है। अजमेर से इस बीच बड़ी खबर मिल रही है संतशाला भवन को लेकर। जैन समाज के 2 गुट आमने सामने हो गए। पार्श्विनाथ कॉलोनी वैशाली